अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे पूछ रहे हैं कि हमें फंगल इन्फेक्शन है, उनके लिए कोई मेडिसिन बताएं। ये बात याद रख लीजिएगा कि कोई भी हर इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। वायरल इन्फेक्शंस भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी है, फंगल इन्फेक्शंस भी है। इसके लिए आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, किसी डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, अगर किसी को स्किन का ही कोई इशू है। इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को डॉक्टर का कंसल्टेशन लाजमी है, ताकि वो सही तरीके से आप लोगों का डायग्नोस करे और उस हिसाब से आप लोगों को मेडिकेशन दे। अगर आप लोगों की जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आप लोग उनके लिए एंटीफंगल यूज़ कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स और होंगे, मसला आप लोगों का हल नहीं होगा। अगर आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन है और आप लोग उनके लिए कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो उसका भी कोई असर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, 1% आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। काइंडली अपने इन्फेक्शन को सही तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करवा के डायग्नोस कराएं और उसके बाद उससे मेडिसिन लें। इंशाल्लाह आप लोगों को असर होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, फार्मेसीज पे जाके उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे प्लाना ट्यूब दे दे, मुझे प्लाना मेडिसिन दे दे, और हम उसको डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, हमने सुनी सुनाई बातें जो है ना वो आके मेडिसिन ले ली और हमने यूज़ कराई, फिर हम कहते हैं हमें असर नहीं हुआ। असर इसलिए नहीं होता कि उसका सही डायग्नोज नहीं हुआ, और जब तक डायग्नोज नहीं होगा तो आप लोगों को प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल सकती। तो करेंटली इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ को अपने माइंड से निकालें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके लिए मेडिकेशन प्रॉपर एक छोटी सी, एक सस्ती सी दवाई होती है और वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम एक दोस्त से सुनते हैं, दूसरे से सुनते हैं, किसी एक बंदे से सुनते हैं और जाके फार्मेसी से वही ट्यूब, वही चीज़ें लेके यूज़ करते हैं और असर नहीं होता। महंगी महंगी चीज़ें भी यूज़ करते हैं लेकिन असर नहीं होता, वो इसलिए है कि हम मिस यूज़ कर रहे हैं, हम प्रॉपर मेडिसिंस उस इन्फेक्शन के लिए नहीं दे रहे। तो काइंडली इस चीज़ को बंद करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी भी डॉक्टर से और कंसल्टेंट से कंसल्ट करवा के उसके बाद मेडिकेशन लें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा।